I'm Shlok. And I'm Deepika. And welcome back to Channel ये श्लोक की शक्ल देख के बहुत हंसी आती है यार. मैं तेरे साइड होती हूँ दीपिका, बट अब भी हंस रही थी. ओके ठीक है, आज तो फनी मूड में. हाँ सो गाइस, हम ऐसा तो कुछ नहीं है फनी मूड में. बोलने मत देना बस तू. ये लोग दोनों इतने आलसी हो गए ना कि भाई मैं इन लोग के पीछे लगाऊं. ये लोग इतने आलसी हो गए ना कि मैं इन लोग के पीछे पड़ाऊं कि वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ फटफट बनाओ. यस, अब 2x पे बोलने लगा यार. ओके गाइस, ये दोनों कटेगा ये. ओके गाइस, तो हमने इश्क है का ओएसटी देखा था, हमें बहुत मजा आया. उसका नाम ये वही OST करेक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ पे बहुत जलन 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 होती है. एंड बहुत पहले किया था इसको. हमने एक और OST पे रिएक्शन दिया है जो जलन OST है, लेकिन उसमें जलन नहीं होती. मैं नहीं था इसमें. यस, हमने रखा नहीं था तो मैं था नहीं इसमें. ठीक है, हम उनको उसके टीजर्स पे करने आ जा रहे हैं. हम धीरे धीरे ऐसे प्रोग्रेस करते करते इनके वीडियोस पे भी करेंगे, सब करेंगे. एंड जितना हमें समझ रहा है, लेकिन जितने कमेंट्स आ रहे हैं, लोग पहले सुनो चंदा के फनी कंपाइलेशंस के लिए बहुत डिमांड करते थे. एंड उसी तरह लोग इश्क के लिए, इश्क है के लिए भी बोल रहे हैं कि आप उनके फनी सीन्स पे रिएक्शन दो. दीपिका इश्क चले भी है ये. अरे नहीं, इश्क है ना, इश्क है. मैं इतनी कंफ्यूज होती हूँ यार. मैं इश्क है सारे के टाइम इतनी कंफ्यूज हो जाती है, इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है लिटरली, क्योंकि उसके लाइफ में इश्क ही नहीं है. क्या हंस पैसे दिए थे को मैंने हंस दिया. ठीक है ठीक है. ओके सो हम बहुत एक्साइटेड है क्योंकि काफी बार हमें लोगों ने कहा है कि यू नो कंपाइलेशंस पे रिएक्शन दो, लेकिन हमने कहा ठीक है हम आएंगे उस टाइम. लेकिन ऑल्सो गाइस, अगर आपके पास किसी के पास इसका कंपाइलेशन है तो आप लोग प्लीज हमें शेयर करो. इसका बोले थे बोला ना इश्क है. तो गाइस, अगर आप लोग के पास इसका कंपाइलेशन हो, गाइस स्टॉप, लेट्स बी सीरियस. तो गाइस, आपके पास अगर इसका कंपाइलेशन होगा तो प्लीज आप शेयर कीजिए. हमारी मेल आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा आ जाता हूँ कि भाई डिस्क्रिप्शन चेक कर लो. सो गाइस लेट्स फाइनली लेट्स स्टार्ट. सॉरी ये तू एडिट कर रही है. सॉरी रिचा. आज अपनी नजर उतार लेना, कहीं मेरी नजर ना लग जाए. I love you. एक अच्छी बेटी को मोहब्बत की इजाजत नहीं होती. क्या तुम्हें पता नहीं था कि हमारे घर में लव मैरिज का कोई रिवाज नहीं है? मेरा सुकून तुम, और मुझसे कोई मेरा सुकून छीन ले मैं होने नहीं दूँगा. ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? एक बार शाह जेम से मिल के तो देखें. फैसला हो गया, इसकी रुखसती की तैयारी करो. इश्क है बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर. इस रस्ते दस्तकारी मेरी मौत है, जल्दी मरूंगा. जब मेरे बाबा मर जाएंगे तो मैं क्या हो गया? मजाक नहीं है, मेरी जिंदगी है. चलो बस कर दो इस जवान की को. मोहब्बत एक आदत की तरह होती है, और इश्क इश्क सरासर मजबूरी. दिल को लगा के लूट जाना इश्क है, इश्क में वफा का पैमाना. इश्क है बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर. गलती से भी अपने दिल में ये गुमान मत लाना कि मेरी बेटी तुम्हारी जिंदगी में कभी शामिल हो सकती है.
अपनी ख्वाहिश का नाम निमरा कर लो। अफसाना इश्क है। मैंने अपने चेहरे पे पूरी काला की मैंने लगी, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। जो मुंह काला किया ना तुम, जिस मोहब्बत के पीछे, उस मोहब्बत के साथ रहना सीख लो। इस घर में तुम्हारी बीवी बनकर अगर आएगी तो सिर्फ निमरा। जाओ इस तरह, मैं तुम्हें बददुआ देता हूँ, तुम सारी जिंदगी मेरी शक्ल देखने को तरसो। इश्क है बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर। मोहब्बत करता हूँ उससे, शादी भी इसी से करूँगा। मेरे शाहजेब की जिंदगी से निकलने की क्या कीमत लोगी तुम? शरीफ लड़कियों की ये तौर तरीके नहीं होते कि हाथ पकड़े चली आए। अपने बाप और भाई की इज्जत मिट्टी में मिलाती। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। हमें से अक्सर लोग सिर्फ कुर्बानी लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे दो दीवाना इश्क है। इश्क है बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर। हमारी हंसी गायब हो गई यार। एक्चुअली हमने इश्क जलेबी समझा था, जलन वाला इश्क जलेबी था। दिस इज इश्क एंड ओ माय गॉड, दानिश सैमुर इज अ फैब एक्टर। बहुत ज्यादा उनके कैजुअल ब्लेजर्स, मैं वो नोटिस कर रहा था, मतलब सच में नोटिस कर रहा था। Out of nowhere. अरे मतलब सच्ची देख रहा था, मस्त लग रहे थे यार, कलर्स का मस्त। ओके गाइस, वी आर रियली सॉरी, हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे इश्क है नेचुरली भी में। रियली रियली सॉरी, एंड ये बहुत सीरियस था, हमें लगा कि थोड़ा ये ना जलन वाला। हमने बेसिकली इश्क जलेबी ही समझा इसको। एग्जैक्टली हमने इनिशियली हमने बात भी की इस बारे में कि अरे इसमें जलन और जलवा तो जलन ही नहीं है, तो आई नो थोड़े बहुत लोग बहुत डिसअपॉइंट होंगे, लेकिन ये एक्चुअली ज्यादा मजा है क्योंकि हम बहुत ऐसे हो गए, ये क्या हो गया है, मतलब जो फर्स्ट टीजर था, उससे लेके एंड तक ये पूरा कितना सीरियस था, कितना ज्यादा सीरियस। फर्स्ट टीजर में उन्होंने सिर्फ इतना ही दिखाया जब वो कह रहे थे और मैं किसी को अपना सुकून छीनने नहीं दूंगा, मुझे लगा कि ठीक है और जस्ट बोल रहे होंगे, और फिर सेकंड टीजर में पता चला। बट ये चारों पार्ट्स में ना कितना प्रॉपरली डिवाइड किया इन्होंने स्टोरीज। एक्चुअली वो ऐसे प्रोग्रेस कर, क्योंकि नॉर्मली टीजर्स में ये लोग, मतलब नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि आप, हाँ मिक्सचर एंडिंग में भी मिक्सचर कि आपको स्टोरी कुछ नहीं पता चलेगा, बस सेम लगेगा। लेकिन आई थिंक इसमें बहुत अच्छा काम किया कि आपको स्टेप्स दिख रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि आप, मतलब उनके डैड जो फीमेल लीड है, उनके डैड ने कहा था कि आप मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाओगे, एंड एक्चुअली जो नेक्स्ट टीजर था उसमें उनकी डेथ, वो डैड पूरे डैड वाइब्स दे रहे थे, पता है क्या। लेकिन बहुत खतरनाक होने वाला है ये, और एक्टिंग कड़क, क्या एक्टिंग की थी वो, जब थोड़ा सा उन्होंने साइको जैसा रोल प्ले किया था, वो उनकी आईज से जब वो आंसू गिर रहे थे, यू नो स्टार्टिंग में ना, मैं जब बोला कि नहीं, वो जब रूम में स्माइल कर रहे थे तब तो भाई ऐसा लगा साइको हो, जब बंद करके वो स्माइल कर रहे थे, ओ माय गॉड, आई जस्ट होप ये यू नो इसको प्रमोट ना किया गया, इसको प्रमोट ना किया गया हो कि यू नो एक अच्छी एंडिंग हो, ढंग की एंडिंग, कि ऐसा नहीं कि वो पागलपन इन द एंड जीत जाता है। या बिकॉज दैट्स जस्ट मोटिवेटिंग पीपल टू डू इट, सो मुझे नहीं लगता कि वैसा होगा एंड में। फोर्सफुल लव नहीं होना चाहिए कि एंड में जाके यू नो ही इज डूइंग ऑल दोस थिंग्स, कि वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हाँ हो गई शादी हो गया एंड ऑल, वो कहीं जाती नहीं है यार, बताना मत नीचे प्लीज, कोई स्पॉइलर नहीं देगा, कोई नहीं। अब देखिए बोल देना लोग आके पहले देंगे स्पॉइलर, तो भाई कमेंट्स ऑफ कर दो इस वीडियो के। वैसे भी थोड़े दिन पहले यूट्यूब ग्लिच हुआ जिससे कमेंट्स, हां सो गाइस काफी सारे लोगों को होगा कि कौन सा वीडियो था जिसके अंदर जलन ओएसटी, यस जलन ओएसटी, उसके अंदर कमेंट्स बार बार बंद हो रहे थे, एंड आई थिंक तीन बार मैंने इनेबल किया, चालू किया, हो ही नहीं रहा है, वो हो रहा है, मतलब वो चालू होके सेव हो रहा है, तो मुझे लगा ठीक है कमेंट्स चालू हो गए, ऑल ऑफ अ सडन वापस ऐसा आ रहा है कि कमेंट्स बंद है, एंड वो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। सेम चीज पहले भी एक बार हुई है मेरे साथ दूसरे वीडियो पे, काफी टाइम ग्लिचेस होते हैं, ये ग्लिच था यूट्यूब का भी। या तो ऐसा सोचना नहीं कि हमने बंद किया, चालू है यूट्यूब ने, कहीं से बंद करेंगे। या बहुत आई थिंक इनकी प्रोसेस हो रहा है यार, इनकी एक्टिंग वॉज रियली नाइस, मतलब एक एक की जो फीमेल लीड थे दोनों, इतना सुपर्ब उन्होंने काम किया, जो उनके डैड थे, जो उनकी मॉम थी, जो लड़के की भी मॉम थी, दानिश की मॉम थी, कितना अच्छा किया उन्होंने एक्टिंग, तो जो और मैक्सिमम तो जैसे रोने वाले सीन्स थे, तो वो जो डेप्थ था वो फील हुआ, क्योंकि
आप लोगों ने देखा होगा हम जिस मूड में बैठे थे, हम हमारी शक्ल उतर गई थी पूरी. एग्जैक्टली हम बहुत फन मूड में थे. हम वीडियो से पहले भी मीम है ना, वो मीम. हो गया भाई. इस जलेबी समझ बैठे थे हम लोग. एंड इतना सडनली वो चेंज आया जो इजी नहीं होता. मतलब इजीली आप एकदम हंसते खेलते मूड से एकदम आप सैड नहीं हो सकते हो. लेकिन आई थिंक वो जैसे ही वो एक्टिंग का इम्पैक्ट था जिसने एक्चुअली हमें बहुत ज्यादा ऐसे. एंड मैंने जस्ट एक बार कैमरा की तरफ देखा, मैंने कहा तीनों की शक्लें सेम है यार. मतलब एकदम क्योंकि ओ गॉड इट वाज वेरी नाइस. लाइक अब देखने की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा. ओएसटी में अपन ने ये स्टोरी कहीं से भी नहीं सोची थी. मैंने भी ये एक्टिंग सीधा ना घुस गई अंदर क्योंकि हंसते हंसते एकदम ऐसा सन्नाटा एकदम पिन ड्रॉप था. एंड बहुत अच्छी एक्टिंग थी. सबकी एक्टिंग इतनी ज्यादा अच्छी थी. जो सेट था वो भी बहुत ब्यूटीफुल. अच्छा भी बहुत अच्छी रोने की एक्टिंग करती है. अच्छा करती थी ना तू. करती है सच्ची करती है ये. मैं सोने की एक्टिंग में कोई लाश जैसे करती हूं. सीधी ऐसे हो जाती हूं. बचपन वाला सीन बता दे. आज तो हो ही जाए. मैं लाइक करके आप लोगों को भी कौन सा सीन बता रहे. अच्छा ठीक है. बचपन में रिचा एंड ओके मैं कंफर्टेबल सॉरी वीडियो के बाद में मिलते. बचपन में रिचा एंड रिचा की छोटी बहन अदिति वो दोनों घर पे आते थे. एंड बचपन से ड्रामा चल रहा है. ठीक है एकदम छोटे थे उस टाइम. आई थिंक हम 4-5 साल से 4-5 years की एज में होंगे. अबे चुप कर पागल हो गई है क्या. मैं एक्चुअली बड़ी हो गई. अरे नहीं तब से बता रही हूँ तब से. अच्छा तब से. बट मुझे भी मुझे विजुअल से याद है जो अदिति ऐसा एकदम स्टिफ होके एकदम मम्मी बन के बड़ी है उसकी. अरे स्टोरी तो बता दे. अच्छा अच्छा ठीक है हम स्पॉइलर नहीं देंगे. तो क्या होता था रिचा के रोज ऐसा होता था 11:30-12ish रिचा के भैया आते थे रिचा को लेने के लिए. एंड भले कोई भी आ जाए मतलब यू नो रिचा की मम्मी के कॉल्स आएंगे तो हम पूरी ट्राई करेंगे. मेरी मम्मी से बात कराएंगे कि अरे आज ये लोग यहीं पे रुक जाएंगे. पर रिचा के भैया आएंगे लेने के लिए. एंड रिचा दी ऐसे सो जाते थे. हाँ लास्ट इनको तो नींद आ गई है ऐसे सो जाते थे पूरे. एंड इनको अगर उठाएंगे ना स्ट्रेट एकदम एकदम ऐसे इनको उठाएंगे ना एकदम ऐसा स्ट्रेट उठेंगे. मतलब ये एकदम ऐसे उठेंगे एकदम. हम लोग और भैया मान भी मानते नहीं, नहीं थे. वो लोग हंसते थे. मेरे पापा हंसते चले जाते थे. हाँ और रोज मतलब जितनी बार ये लोग आते थे रोज रात को ये नाटक चलता था. ये लोग ऐसे आपको करके ऐसे फ्लैश हो गए. अब इनको कैसे भी उठा लो ये घर तो जा ही नहीं सकते. लाश नहीं पैरालाइज हो गए भाई. लाश तो पता कैसे नहीं उठ जाएगी. कितना भी उठा लो उठ जा एकदम ऐसे. आंख खोलने की ट्राई करो आंख भी नहीं खुलेगा. कुछ भी नहीं होगा हमें. अदी तो पता है अदी हंस भी देती थी कभी कभी. कितना खुला स्कैम है यार. कितना खुला स्कैम है ये भाई. हंस रही है तू नींद. मुझे एक सीन याद है जब अदी रिचा की छोटी बहन बहुत छोटी थी. एंड रिचा उस टाइम मेरे घर पे नाइट स्टे कर रही थी फॉर वन डे. एंड अदी होगी करीबन कितना साल की थी एकदम छोटी सी थी इतना आई रिमेम्बर. एंड रिचा की मॉम ने उसको एक्सक्यूज देने के लिए कहा अरे उनके घर का भी बिल्कुल जगह नहीं है ये लोग चले जाएंगे. तो अदी ने कहा था मैं बाथरूम में सो जाऊंगी. हाँ कैन यू गाइस एकदम वो चिपक के रह देती कि हाँ मैं बाथरूम में सो जाऊंगी लेकिन मुझे जाना है. बहुत किचन में सो जाऊंगी कहीं भी मतलब. और तब ये वीडियो अदी को पर्सनली बता रहा हूं ऐसी चिपकी हुई हूं यहां पे. अरे सच में यार सुबह है ना मुर्गी को गुनगुनी करती उससे पहले तो ये आ जाती है सामने. क्योंकि वो हमारा प्लान है. मुझे इतना बदनाम मत करो. वो हमारा शेड्यूल है ठीक है कि रिचा पहले उठ के मेरे घर पे आएगी. प्लान मतलब क्या कुछ करने आंख मतलब मैं जैसे ही रिचा ही मुझे उठाएगी करीबन 7:38 हम उठते हैं. उसके बाद हम उठते हैं काम वाम पे लगते हैं एंड एवरीथिंग. और रात को रिचा घर पे चली जाएगी और वापस सुबह 9-10 बजे आ जाएगी. आज ना ये मेरे घर पे आई नहीं थी. आज मेरे घर पे आई नहीं थी तो मेरे घर पे मम्मी पूछती है आज नहीं आ रही रिचा. आज मम्मी ने मुझे उठाया ही नहीं. मैंने कहा उठाया क्यों नहीं. मम्मी कहा रिचा नहीं आई ना. मैंने कहा रिचा से क्या काम मुझे काम है. हमारे घर पे हमारी इज्जत ही नहीं है मतलब. हाँ रिचा आती तब तो वैसे भी नहीं रहती. मम्मी को बहुत ज्यादा पसंद है. इतना तो प्यार से कोई भी नहीं रखता है. कोई भी नहीं जितने प्यार से वो शांति इनकी मम्मी रखती. इतने सारे इश्क और हमने देखे नहीं है तो. और मैं हर वीडियो में बोलती हूँ इश्क मुझे बहुत कंफ्यूज करता है. इतने सारे एक तो इश्क है इसके लाइफ में इश्क ही नहीं है. चलो बाय बाय टेक केयर. चलो